सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टीच चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज अगर आपके फोन पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर नहीं है लेकिन आपको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे। बिल्कुल जैसे कि अभी आपने देखा और अभी जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो को, फर्स्ट में मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया और अभी जो देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम आप इस तरह से आपका IPS LCD डिस्प्ले पर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर ऐड कर पाओगे। अगर आपके पास है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो भी आप इसको जरूर देखना। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट आपको यही करूंगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके फोन पर सेटिंग पर है तो आप इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका IPS LCD डिस्प्ले है, अगर आपके फोन पर ये वाला सेटिंग नहीं है तो आप इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए हम जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने का था हमें यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें सर्च करना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ठीक है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करते हो तो हमारे सामने मतलब कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे लेकिन इनमें से हमें एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे जिससे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक एंड विडगेट, ठीक है। इसको क्लिक करना है और इसको अपने फोन पर इंस्टॉल करना है। आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको आसानी से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करके वाला आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने मिलेगा। गेट स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो आपके सामने आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर 8.5 सेकंड के लिए ऐड आएगा, तो आपको ऐड वॉच करना है। उसके बाद आपको फाइनली आना है बैक। ऐड बैक करने के बाद आपके सामने कुछ ए वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने ऑलवेज ऑन वाला डिस्प्ले काफ़ी सारे पर एनिमेशन देखने को मिलता है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओपी लगते हैं, प्रीमियम लुक देता है। जैसे कि आपने वीडियो के फर्स्ट पर वाला क्लिप देखा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। तो आप इनमें से कोई भी आइकन को आप दे सकते हैं, एनिमेशन आइकन को ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट ऑन यहाँ पर आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारा आइकन आपको मिलेगा, आप देख सकते हो, आपको जो चाहे पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक ही ऐड करके बता दूँ, मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेगा तो आपको फर्स्ट 5 सेकंड के लिए आपको ऐड आएगा। तो ऐड को वॉच करने के बाद जो है आपको फाइनली आपको आना है बैग। बैग आने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा कलर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको टाइम शो होगा, डेट भी शो होगा और आपको बैटरी परसेंटेज भी शो होगा। आपको कलर भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं आपको कलर चेंज नहीं करूँगा, मुझे कलर ये बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ से आपको कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हो। उसका आपको अप्लाई क्लिक करने, अप्लाई पे क्लिक करने का आपको ग्रांट परमिशन पर क्लिक करने, उसके बाद आपको अलाउ कर देना। अलाउ करने का आपको हो गया, फिर से आपको अप्लाई पे क्लिक करो। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऐड आएगा, फिर से थोड़ा सा ऐड आएगा, तो आपको ऐड वॉच करना है। ऐड वॉच करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ऐड फिनिश ना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना गाइस। तो आप फाइनली आएंगे बैक। एड जैसे फिनिश होता है तो हमारे सामने बैक आना है, फिर से थोड़ा वेट करना है, फिर से हम बैक आएंगे फाइनली बैक। बैक आने का था हम इसको अप्लाई वाला ऑप्शन आता है, तो इसको अप्लाई पर क्लिक करो और इसके ऊपर अप्लाई पर क्लिक कर दो। आप अप्लाई हो गया, आपको आना है बैक, आपके स्क्रीन को लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर ऑन हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो होगा, डेट भी शो होगा, कौन सा डेथ आपको शो होगा, यहाँ पर एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके एक शेयर से जिसका नहीं है फोन पर वो भी ऐड कर पाए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जिसको भी चाहे आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटेड। तो मिलते हो और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।